कल्चरल क्रास कल्चरल स्टडी जो क्वालिटेटिव है उसके अंदर हमने स्टडी डिज़ाइन किस तरह से डिवेलप uh, किया क्या? तो हम मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि जब आप भी कोई इस तरह की स्टडी करना चाहें एटलीस्ट आपके सामने एक मॉडल आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्रास कल्चरल स्टडी कंपैरिजन करना हो तो किस तरह की मेथडोलोजी कैन बी यूज्ड आप उसमें इनोवेशन भी ला सकते हैं आप इसको चैलेंज कर सकते हैं क्रिटिसाइज करते हैं यू आर फ्री टू डू वट यू वांट बट विद इन कीपिंग इन व्यू द लॉजिक इन प्रैक्टिस पैरामीटर ऑफ रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के उनको फॉलो करते हुए आप ऑफकोर्स क्रिटिसाइज कर सकते हैं वी कंपेयर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर वन जर्मन एज एन इंडस्ट्रियल वेस्टर्न वेलफेयर स्टेट विद इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी कि वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है डाइवर्सिटी है जहाँ से माइग्रेंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट से भी हैं पाकिस्तान से हैं ईस्ट ईस्टर्न यूरोप से हैं अफ्रीका से हैं सारी दुनिया से वहाँ माइग्रेंट्स हैं मेकिंग इट वन ऑफ द डाइवर्स लेकिन साथ में वेलफेयर सिस्टम है दूसरा साउथ अफ्रीका एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाईली वायलेंट एंड हिस्टोरिकली पोलराइज कंट्री जो अफ्रीका बिल्कुल डिफरेंट डेमोक्रेटिक तो है लेकिन वहाँ पे अपारथाइड रेजिम थी वहाँ वाइट ब्लैक की डिवाइड है कलर्स हैं रेस है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हाईली पोलराइज कंट्री और सबसे ज़्यादा इवन उनके कुछ ऐसे अर्बन नेबरहुड्स हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं सिटी के अंदर जहाँ उनकी पुलिस आर्मी तक नहीं एंटर हो सकती दे आर कंट्रोल्ड बाय द गैंग्स द वायलेंट गैंग्स यंग लोग वहाँ पे वायलेंट यंग लोग उसको कंट्रोल करते हैं तो हाई लेवल ऑफ गन कल्चर है हाई लेवल ऑफ वायलेंस है uh, uh, मैं मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ लेकिन इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू विजिट इवन वन साइड टू एन अदर वन वाई कीपिंग इन व्यू के एनी थिंगन एट एनी टाइम इवन आप रोड्स पे महफूज़ नहीं हैं इशारों पर खड़े हुए महफूज नहीं है आप सिटी के अंदर uh, महफूज नहीं है तो इट वॉज़ अ रियली हाईली वायलेंट कंट्री है वायलेंट सोसाइटी और पाकिस्तान एज इमरजिंग डेमोक्रेसी फेस्ड बाय टेररिज्म, अथॉरिटेरियनिज़म फॉर्म ऑफ कंट्रोल बिल्ट ऑन कलोनियल लेगेसी एंड वीक इकोनॉमिक ग्रोथ तो पाकिस्तान जो बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में एक किस्म का के एक तरफ टेररिज्म है अथॉरिटेरियन कंट्रोल है पारस्ट्रक्चर का इम्बेलेंस है कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन हकीकत में वी आल नो Uh, तो ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान में वीक इकनॉमिक ग्रोथ है तो ये मेकिंग इट एन अदर डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंट्री वी चूज़ इन एवरी कंट्री रिस्की नेबरहुड के वो इलाके जहाँ पे लोग जाते हुए ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं आ, या अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि ये हाईली रिस्की प्लेसि हैं जैसे जर्मनी के अंदर बर्लन न्यूकोलन एंड वेडिंग नॉर्थमोंड के अंदर नॉर्थ स्टाथ एंड सान होस्ट डोइसबर्ग मार्क्सलू ये डिफरेंट uh, डिस्ट्रिक्स हैं विद इन जर्मनी और उनके नेबरहुड्स के नाम दिए गए हैं, मिसला बर्लिन के अंदर नोए कॉलन जो है ना सब अरब है uh, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल थी uh, सब न्यू कॉलन और वेडिंग ये दो जगह हैं जो बर्लिन के नेबरहुड्स थे डॉर्थ दूसरा सिटी जो इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ जर्मनी उसके अंदर नॉर्थ स्टाथ और शान हॉस्ट ये थे और फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट उनका डोइसबर्ग था तो उसमें नोड स्टाट एंड शान हॉस्ट ये दो जगह यानी डोसबर्ग में मास था तो ये तीन चार नेबरहुड्स थे जो जर्मनी के अंदर हमने सेलेक्ट किए साउथ अफ्रीका के अंदर केप टाउन मेजर डिस्ट्रिक्ट था और उसके अंदर हैनोवर पार्क डरबन और मगीनी ये तीन इलाके थे डिफरेंट हेनोवर पार्क जो है ये वाइट पॉपुलेशन का जगह थी जहाँ पे वायलेंट यूथ इकट्ठी होती थी और डरबन जो है उसके अंदर उमगिनी जो है ये ये वायलेंट थी पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में हमने ढोक मटकियाल ये स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से और इस्लामाबाद के अंदर ही एक साबार ब्रांस कलोनी हमने उसको लिया और बड़ी इमाम कि ये दीज वर प्रसिव टू अब रिस्की नेबरहुड जहाँ पर ड्रग मार्केट एग्जिस्ट करती है वायलेंट यूट इकट्ठी होती है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमने खास तौर पे लियारी को लिया था लेकिन लियारी में हमें एक्सेस नहीं मिल सकी दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट रिस्की अर्बन नेबरहुड इन पाकिस्तान तो हमें फिर उसको छोड़ के तो ये वो एरियाज लेना पड़े जो रिलेटिवली लो रिस्की थे रिस्की तो कंसीडर होते हैं लेकिन रोल रिस्की ड्रग मार्केट फ्री एग्जिस्ट करती है यंग लोग यहाँ पर आते हैं और सारा uh, uh, आगे जाके हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर वो क्या करते हैं वी कंड थर्टी टू फोर्टी फाइव इंटरव्यूज़ विदेल बिटवी सिक्सटीन एंड ट्वेंटी वन फ्राम द नेबरुड्स इन ईच कंट्री हर कंट्री में हमने तीस से पैंतालीस इंटरव्यू मिनिमम तीस थे मैक्मम पैंतालीस थे और इसका टाइम स्पेन जो है वो तकरीब मिनिमम फोर्टी फाइव और मैक्मम नाइन्टी मिनट्स का था यह इंटरवल के साथ भी था कि एक ही वक्त में नहीं मुख्तलि अवकात में भी वी यूज द इंटरव्यू गाइड चेकलिस्ट um, uh, और हमने कुछ एफ जी डीज भी करने की कोशिश की अक्रॉस दीज थ्री कंट्रीज बट देवर फेल्ड ओनली इन डेप्थ इंटरव्यू वाज वर्कल टू गारंटी द कंपेटेबिलिटी ऑफ इंटरव्यूज बिटवीन साइट्स एंड यूज यूनिफॉर्म इंटरव्यूज गाइडलाइंस जिसको हमने इंटरव्यू गाइड मैंने जैसे बताया दर डिवेल्प फ्राम द स्टेट ऑफ द आर्ट रिलेटिंग टू वायलेंस रिलेटेड नाम्स जिसमें हमारा जो एंकर स्टडी थी वो कोड ऑफ द स्ट्रीट थी उसी के हमने पैरामीटर को यूज़ किया जैसे रिस्पेक्ट है ऑनर है और ये सब और बेसिक कोड्स वर डेवलप आउट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे साथ साथ ये भी बताते चलें कि वी यूज द मैक्स क्यू डी ए सॉफ्टवेयर और ओपन कोडिंग की एंड वी स्टार्टेड बंडल ऑफ क्वेश्चन एंड इंटीग्रेटेड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द मेटीरियल और अगर कोई कहीं पे जरूरी था तो वो हमने न्यू कोड भी वहाँ पे बनाए यानी एक कोड के अंदर सब कोड्स बनाए तो ये आपके सामने जो है वो ओपन कोडिंग है और ये यहाँ हमने सब कोडिंग भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको चार चार पाँच पाँच इसके सब कोड और फिर सब के सब कोड भी आपको नजर आएंगे तो ये बेसिकली मैक्स क्यू डी ए के अंदर हमने इसकी ओपन एक्जील और सेलेक्टिव कोडिंग की और उसके रिजल्ट को हम आने वाले लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वट वर द रिज़ल्ट हाउ आर द डाटा वाज़ एनालाइज्ड और हमने किस तरह से रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट किए